कई सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ संक्षेप में एक दो बातें कहूंगा। देर हैव बीन टू मोमेंट्स इन रिसेंट पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, मैंने कई अपने साथियों से शेयर किया। व्हेन द सीएए वाज पास्ड, आई स्टिल रिमेंबर द डे आई हैड कम बैक होम डिजेक्टेड, वी हैव लॉस्ट द प्लॉट ऑफ दिस नेशन। सेकेंड वॉज व्हेन द फॉर्म लॉज, not only with the content or the intent or the manner in which they were passed, that was second moment I felt further low. But thanks to the people of this country, not to any political party, they gave hope to parliament, which was made defunct on both the occasions. The government was not willing to listen to. You all remember those days. What Shaheen Bagh did, शाहीन बाग को मतलब एक मैं समझता हूं कि क्या कहते हैं सर आप तो हिंदी के हैं, सर्वनाम से वो जातिवाचक संज्ञा हो जाना होता है ना, कि नाम संज्ञा हो गया पूरे देश में शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। मुश्किल सरकार के से थी कि वो शाहीन बाग से डील नहीं कर सकते थे, हाँ उसको डेमोनाइज कर सकते थे, और उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला जिसमें उमर खालिद की अमरावती की स्पीच आपने सुनी। आपको बताऊं उमर गिरफ्तारी से पहले और ये जो प्रशांत भाई कह रहे थे कॉन्स्पिरेसी वाली बात, हम दोनों बिहार से एक साथ एक ही फ्लाइट में आए, वो कहीं और गए थे बिहार में सीएए के लिए प्रोटेस्ट में और मैं कहीं और था। हम लोगों ने बातें भी की और मैं समझता हूं जितने भी लोगों से मैं उस दौर में जेएनयू के मिला उसमें ही वॉज वन ऑफ दोज ब्राइटेस्ट ऑन कॉन्टामिनेटेड माइंड। आप उस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं और वैसे सैकड़ों लोगों पे मीरान हैदर हमारे साथ काम करता था, रिलीफ का काम करता, अपने उसको यूएपीए जैसी चीज मानकर किया हुआ। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में कुछ चीजें बीते दिनों में हुई है। आज एक छोटा वाक्य पहले शेयर करूं, एक साहब हैं उनका पूरा वैश्विक दर्शन मटका है लेकिन उत्तर प्रदेश उनके हाथ में आ गया नारियल की तरह। तो मैंने किसी बात पे कहा कि अगर मदर ऑफ टेररिज्म की बात होगी तो जरा उमर ने कहा था, मैंने कहा हु वाज द फर्स्ट टेररिस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अब उसकी पैरेंटेज पता करो ना कि नाथूराम गोडसे की पैरेंटेज क्या है, आइडियोलॉजिकल पैरेंटेज आएगी ना द बायोलॉजिकल पैरेंटेज, वो पता करिए। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी टाइमलाइन पे बहुत कम लोगों ने इस बात के पक्ष में कि ये सच है, ज्यादातर लोग ये कहते रहे कि फर्क करना सीखिए, नाथूराम गोडसे टेररिस्ट नहीं था। और मुझे कुछ लोगों ने तो उसमें जो पुलिस वुलिस के लोग मुझे ज्ञान भी दे रहे हैं कि टेररिस्ट को डिफाइन करने में आपसे गलती हो रही है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असैसिन एंड टेररिस्ट। बहरा मैं उस प्रशांत भाई डील करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ तो बदला है हमारे देश में और वो बदला सिर्फ इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कमोपेश, और मैं कहना चाहता हूं साफ खुल करके, यू कैन नॉट डिफीट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दिस रेजिम बाय बिकमिंग फोटोकॉपी ऑफ दैट रेजिम। ये नहीं होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती है कि मैं वहां मत्था टेक करके वही बातें बोलूंगा लेकिन जुबान थोड़ी अलग होगी। नो, पीपल वॉन्ट अ क्लियर कट पोजिशन, दैट क्लैरिटी कैन ओनली कम इफ द सिविल सोसाइटी पुट प्रेशर ऑन इट। और मैं जानता हूं जब सीए शाहीन बाग मूवमेंट में, उसको सीए के अलावा शाहीन बाग मूवमेंट भी कहूंगा, जब पूरे उफान पे था, कई पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा था कि हमने गलती कर दी, हम क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो पैदा करना होगा और मैं समझता हूं कि वो हम पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत अनफॉर्चुनेट हुई और जिसको भी हमने होने दिया, पहले मैं खुद यूनिवर्सिटी में जो एक टॉपिक पढ़ाता हूं स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, वहां मैं क्लास में बताता था कि नेशन स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट आर थ्री डिफरेंट एंटिटीज, वो फर्क खत्म हो गया। मतलब तुर्रा ये कि मैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलूं तो मुझ पे आप एंटी नेशनल का आरोप लगा दोगे। वो बेचारे पत्रकार महोदय, उन्होंने 6 महीने पहले कह दिया था कि विजय रूपाणी जाने वाले हैं, उनको सेडिशन में आपने डाल दिया, अब क्या करोगे, सेडिशन किस पे होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा ऑन लाइटर वे, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं ना कि अगर उमर दंगे प्लान कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता तो चीफ मिनिस्टर होता, जेल में नहीं होता।
आजकल रिवॉर्ड सिस्टम बदला हुआ है। फाइनली एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हम अद्भुत मुल्क है। प्रशांत जी, जब चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं लगा था कि क्रांति की शुरुआत हो रही है। 18 ईस्वी में हमें लगा कि ये जेपी मूवमेंट आ रहा है। कितने बेवकूफ निकले हम, कितने गधे निकले। हमारी समझ, हम बोलता है बुद्ध परस्त मुल्क है, एक मूर्ति चाहिए हमें तुरंत, अरे फलाना ये हमारा उद्धार करेंगे। आपने देख लिया, और अभी भी मैं देख रहा हूं जुडिशियरी में, चाहे वो मान माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, अदर जजेस हो, वॉट यू स्पीक इन अ सेमिनार शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन योर जजमेंट, अदरवाइज नो। That's not how we look at judiciary and expectations from the judiciary. Lower courts have done significantly well. And एक geography के हमारे teacher कहते थे कि higher you go, cooler we feel. तो आजकल मैं देखता हूँ कि lower you go in terms of judiciary, cooler you feel. ये फर्क आया है, इस फर्क को भी खत्म करने की जरूरत है। Thank you very much, Paraji. Thank you very much, everybody. In solidarity, let's dedicate once again to all those unsung heroes of our times. They shall be out and door badlega ye. Shukriya, Jai Hind.